नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। 2 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने देश की 543 लोकसभा सीटों में से 195 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था। पार्टी ने जिन 195 उम्मीदवारों को टिकट दिया उसमें करीब 34 नए उम्मीदवार थे या फिर वे थे जो विधानसभा से अब लोकसभा के लिए आगे भेजे गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 34 मौजूदा सांसदों का बीजेपी ने अपनी पहली सूची में टिकट काट दिया है। इसी ही कड़ी में जब नए चेहरों की बात आई तो नाम निकल कर आया भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का। पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से अपना टिकट दिया, उस आसनसोल लोकसभा सीट से जहां भोजपुरी के दिग्गज, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, पूर्व कांग्रेसी, पूर्व बीजेपी नेता और वर्तमान में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा सांसद है। शत्रुघ्न सिन्हा की आसनसोल सीट से भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को टिकट देकर अपना प्रत्याशी तो बना दिया, लेकिन 2 दिन बाद ही बीजेपी को झटका देते हुए पवन सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं बीजेपी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उनके लिए लोकसभा चुनाव लड़ सकूं, लेकिन मैं लोकसभा चुनाव आसनसोल से कतई नहीं लड़ना चाहता। इस सब के बाद सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई कि आखिर पवन सिंह ने बीजेपी का टिकट क्यों लौटाया, उस बीजेपी का जो वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। इस सब के बाद अब एक बार फिर से बुधवार को पवन सिंह ने अपने एक्स हैंडल से एक ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए पवन सिंह ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। वो पवन सिंह जो आसनसोल से टिकट मिलने के बाद टिकट लौटा चुके थे, अब वो ट्वीट करते हैं फिर से कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं जनता के लिए अपना काम करना चाहता हूं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि पवन सिंह इस मर्तबा बिहार की ही 40 में से किसी एक लोकसभा सीट पर आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।